चलिए सो एक्सरसाइज शुरू की। मसल्स कंज्यूम ऑक्सीजन स्टोर्ड इन मसल्स। टू किस लिए? टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। बेटा डाइजेस्ट नहीं, ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू लिबरेट एनर्जी। राइट, तो इनिशियली ऐसा नहीं है बेटा, हमने थोड़ा सा काम किया, मैंने लिखा तो मस्कुलर क्रैम्प्स हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनिशियली मसल्स में एनर्जी स्टोर्ड है, सो द मसल्स यूज दैट एनर्जी, या ग्लूकोज स्टोर्ड है सो या ऑक्सीजन स्टोर्ड है, मसल्स यूज दैट ऑक्सीजन स्टोर्ड टू डू एरोबिक रेस्पिरेशन टू लिबरेट एनर्जी। बट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज नो ऑक्सीजन इज लेफ्ट इन, लेट अस से अगर हम लेग्स की बात कर रहे हैं, लेग मसल्स, अगर हम भाग रहे हैं, टू ऑब्टेन एनर्जी मसल्स क्या कर रहे हैं? एज वन स्टूडेंट टोल्ड मी, स्टार्ट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यू नो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज मसल्स में बेटा ग्लूकोज ब्रेक्स इनकम्प्लीटली इंटू लैक्टिक एसिड। इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन है बेटा, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं है, इंटू लैक्टिक एसिड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यू नो मसल स्पैज इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सो लेट्स सी व्हाट द लैक्टिक एसिड डू। पहली बात तो सुनो कि मसल स्पैज्म है क्या है, ध्यान से सुनना। नोबडी गेव मी आंसर, आपने सिर्फ मुझे क्या बताया? दैट पेन इन द लेग्स। सो व्हाट अकल्स बेटा, कोई भी मूवमेंट याद रखना है, कोई भी मूवमेंट जो होती है ना, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रही है। मैं लिख रही हूं तो मेरे बाइसेप्स या ट्राइसेप्स ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई सी भी मूवमेंट है दैट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। राइट, सो व्हाट हैपन्स मसल स्पैज में क्या है? दैट इज इनएबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि कई बार तो ऐसे होता है कि इतना थक गए हैं कि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है? वैष्णो देवी चले जाओ, है ना, या कहीं भी चले जाओ, और 200 सीढ़ियां है, 200 स्टेयर्स है, और आप उस पे चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, और 100 150 के बाद आपको एक बार ऐसे लगता है कि अब तो मेरी टांग उठ ही नहीं रही है, अब तो मेरा एक स्टेप भी नहीं उठ रहा है, मैं एक स्टेप भी नहीं ऊपर ले सकती। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड? यस मैम। दैट इज मसल स्पैज। ठीक है, तो वो क्या है कि इनएबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल स्पैज कभी उस टाइम ज्यादा मसल स्पैज्म हो गया, जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, भागते हो, तब थोड़ा मसल स्पैज्म है, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप चल तो पा रहे हो बट पेन बहुत है। बट इनएबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज मसल स्पैज, एंड दैट इज ड्यू टू रीजन। क्या है रीजन? है फर्स्ट हम कहेंगे
पॉइंट्स में लिखना है हमेशा डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात, जब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या है? एनारोबिक। रेस्पिरेशन है। ओके, थर्ड क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बना? एक्यूमुलेशन ऑफ एवरीबडी ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ने बेचारे ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया हमारा, है ना? इतना क्यों बुरा है? तो बेटा क्या करता है, क्योंकि कोई भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, उसका सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से आ रहा है। आपने कुछ बच्चों को देखा है बाई बर्थ ही जिनके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, वो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड सच चिल्ड्रन? ठीक है, किसी का बाई बर्थ ड्यू टू एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ प्रॉब्लम हुई जिसके कारण उनके ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई, जिसके कारण दे आर ऑन व्हील चेयर ऑल द टाइम, वो अपने मसल्स काम नहीं कर रहे क्योंकि ब्रेन से उन्हें सिग्नल ही नहीं मिल रहा। हमारे मसल्स किसी काम के नहीं है अगर ब्रेन हमें सिग्नल ना दे, ठीक है? तो ये याद रखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। एंड व्हाट द लैक्टिक एसिड डू? लैक्टिक एसिड ब्लॉक्स ये मसल है। यहां से ब्रेन का नर्व फाइबर आ रहा है, नर्व फाइबर ने इसको सिग्नल देना है, बट यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट हो गया? यहाँ पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया। ये एक आपको 7th में कोई पूछेगा तो नहीं, बट एक जनरल हमें पता होना चाहिए। तो ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया जिसने क्या ब्लॉक किया? लैक्टिक एसिड ब्लॉक्स द सिग्नल फ्रॉम द नर्व्स टू द मसल्स। मसल शांति से बैठे, सुबह आपकी मम्मी आपको ना उठाए तो क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो गए? नहीं, सोते रह जाओगे। यस और नो? कहाँ से सिग्नल आता है स्कूल जाना है स्कूल जाना है? मम्मा से आता है, ठीक है? और किसी दिन मम्मा का कमरा लॉक हो जाए तो क्या होगा? आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, आप सोते रह जाओगे। तो यहाँ पे ये लॉक है, लैक्टिक एसिड फॉर्म्स ए लॉक बिटवीन द नर्व्स एंड द मसल्स। मसल्स डू नॉट गेट सिग्नल्स फ्रॉम द नर्व्स एंड दैट्स व्हाई मसल्स कैन नॉट वर्क। और जब हम उनसे काम कराने की कोशिश करते हैं तो उनमें पेन होता है, राइट? सो लैक्टिक एसिड डू नॉट अलाउ सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स, राइट? सो दिस इज द रीजन ऑफ मसल स्पैज। इज इट क्लियर? जिस जिसको ये समझ में आया रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। ठीक है जी, अब बात ये है कि अब ये लैक्टिक एसिड को हु विल टेल मी डिस्पोजल ऑफ लैक्टिक एसिड? अब हमने इस लैक्टिक एसिड को खत्म करना है, हु विल टेल मी? यस, मैम वाली रो में नॉट दिस गर्ल, सम अदर गर्ल। हाँ जी, इससे पीछे वाली सेकंड गर्ल, कम। यस, यू कम फॉरवर्ड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैम, लैक्टिक एसिड भी प्रिजर्व टू मैम डिस्पोजल टू तेल मालिश और मैम बाय डिपिंग आवर लेग्स इनटू हॉट वाटर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो मेन इज लैक्टिक एसिड क्या है? हम क्या करेंगे कि लैक्टिक एसिड, ध्यान से इधर देखो, ब्रेक्स कंप्लीटली। इसके पीछे की हमने साइंस समझनी है। ब्रेक्स कंप्लीटली बाय ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है? लैक्टिक एसिड कैसे डिस्पोज ऑफ होगा? ऑक्सीजन से डिस्पोज ऑफ होगा। अब ऑक्सीजन ने कहा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ब्लड से आएगी, ठीक है? तो इसके लिए
ऑक्सीजन टू लैक्टिक एसिड कैसे पहुंचेगी? फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डीप ब्रीदिंग। ठीक है, जब आप बहुत थक जाते हो, ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, तो व्हाट योर फिजिकल एजुकेशन टीचर टेल्स यू दैट डू डीप ब्रीदिंग, है ना, बैठ जाओ, डीप ब्रीदिंग करो ताकि लॉट ऑफ ऑक्सीजन गोज इन टू योर ब्लड। देन सेकेंड इज हॉट वाटर बाथ, चाहे कंप्लीट बॉडी और यू डिप योर लेग्स इन द हॉट वाटर। सो व्हाट द हॉट वाटर डज, यस, कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ हॉट वाटर हेल्प्स इन, यस द बॉय, यस कम फॉरवर्ड, जल्दी से आ जा। ब्लड फ्लो। इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बैठो। सो इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू मसल्स। एंड व्हेन मोर ब्लड फ्लो, मोर ऑक्सीजन गोज इन टू मसल्स, ब्रेकिंग डाउन लैक्टिक एसिड। एंड एक और चीज आ जाती है, दैट इज ऑयल मसाज। सो ऑयल मसाज करो, अगेन इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो। ठीक है जी, सो इज इट क्लियर मसल्स पास? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, एंड यू नो इन यीस्ट, यीस्ट का आपको पता है, आपकी मम्मा यूज करती होगी केक्स बनाने के लिए, इफ एनीबडी डज, ठीक है ना। तो यीस्ट किस लिए यूज करते हैं? टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट। कैसे? बिकॉज यीस्ट ऑल्सो अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन टू फॉर्म इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यू नो दिस, यीस्ट में क्या होता है? यीस्ट में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक्स इनटू, आप इथेनॉल ना करके अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड एनर्जी। फ्रूट्स सो फ्रूट्स ले लो बहुत सारे, फ्रूट्स को बहुत ज्यादा सड़ा गला दो और उसके बाद उसमें यीस्ट डाल दो। यीस्ट यूजेस द शुगर ऑफ फ्रक्टोज एंड फॉर्म्स अल्कोहल। तो जो लोग या सबको अल्कोहल के बारे में पता है, अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय यीस्ट, राइट? दैट्स व्हाई यीस्ट इज कॉल्ड, इट इज यूज्ड इन ब्रूइंग। ब्रूइंग मीन्स मेकिंग अल्कोहल। इन बेकिंग यीस्ट इज यूज्ड। जो हम आटा या मैदा लेते हैं उसमें शुगर्स है, ग्लूकोस है, ठीक है? तो जब हम उसको बेक करते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल तो इवेपोरेट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो स्टार्ट कमिंग आउट, ड्यू टू विच वट हैपन्स दैट केक्स एंड ब्रेड्स बिकम्स पोरस, है ना? उसके अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं कि नहीं, ब्रेड के अंदर, केक्स के अंदर, वो किस कारण होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड जब हीट करते हैं तो बाहर निकलती है और वो ब्रेड में, केक्स में क्या कर देती है, छोटे छोटे होल्स कर देती है, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, ड्यू टू विच ब्रेड एंड केक्स आर स्पॉन्जी। सो यीस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग एज वेल एज ब्रूइंग। इज इट ओके? ठीक है जी, चलिए दिस इज मसल स्पैज, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा। अब हम प्रोसेस आ जाते हैं ब्रीदिंग की, राइट? सो ब्रीदिंग, इन ब्रीदिंग यू नो द एयर नोज के थ्रू, फेरेंक्स, लेरेंक्स और उसके बाद ट्रेकिया,
इज कॉल्ड एज विंड पाइप. एंड ट्रेकिया ओपन्स इनटू लंग्स. द स्मॉल ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर इन द लंग्स दीज आर कॉल्ड एज. यस द फर्स्ट बॉय, द फर्स्ट बॉय. हाँ जी इधर से आ जाओ, आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ. बोला एल्वियोलाई. वेरी गुड. अच्छा नाम बता दे बेटा अपना क्या है. हितेश. हितेश. ओके ओके बेटा बैठो. सो दीज आर एल्वियोलस. एक एल्वियोलस है, बहुत सारे एल्वियोलाई है. ईच लंग हैज अबाउट 1 लाख एल्वियोलाई. हर लंग में 1 लाख एल्वियोलाई है. 1 लाख एल्वियोलाई. बेटा अगर इतने सारे एल्वियोलाई ना हो के लेट अस से एक ही इतना बड़ा एल्वियोलस होता इजेंट इट गुड. इतने सारे एल्वियोलाई का क्या फंक्शन है. व्हाई देर आर सो मेनी एल्वियोलाई. एक ही एल्वियोलस होता. एक लंग में एक एल्वियोलस, दूसरे लंग में दूसरा एल्वियोलस. व्हाई देर आर सो मेनी एल्वियोलाई. यस रेज योर हैंड्स इफ एनीबडी नोज. ऐसा क्या है कि इतने सारे एल्वियोलाई चाहिए? व्हाई डू वी नीड सो मेनी एल्वियोलाई? यस देर इज वन गर्ल. हाँ जी फर्स्ट रो में. हाँ जी आ जाओ आगे आके बताओ. पहले अपना नाम बताना बेटा. सचलीन. सचलीन. जसलीन. ओके बेटा ओके. चलिए नाउ टेल मी. हाँ फॉर मोर सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर डिफ्यूज, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. राइट. अब मुझे एक चीज एक और बताना बेटा. दिस इज वन स्ट्रक्चर एंड दिस इज अनदर स्ट्रक्चर. विच हैज मोर सरफेस एरिया, ए और बी. मैम बी बी हैज मोर सरफेस एरिया. बैठो बेटा. वेरी गुड. दिस हैज, आप यहाँ देख रहे हो सरफेस बढ़ रहा है. ये देखिए ये सरफेस है और साथ में फिर ये भी एक्स्ट्रा आ गया, फिर ये भी एक्स्ट्रा आ गया. ठीक है. सो दैट इज सेम इज द रीजन. अगर यहां से किसी चीज ने बाहर जाना है तो यहाँ पे लेट अस से इतने ही दरवाजे हैं, इतने ही डोर्स हैं. बट हियर 1 2 यहां से भी, यहां से भी दीज आर द एक्स्ट्रा डोर्स बिकॉज देयर इज मोर सरफेस एरिया. सो सो मेनी एल्वियोलाई. राइट. यहां से अब अगर आप देखो यहां पर कि यहां से गैसेस सिर्फ यहां पर डिफ्यूज होंगी. लेट अस से यहां से गैसेस आ रही है. बट इफ इट इज डिवाइडेड इंटू मैनी एल्वियोलाई तो आप देख सकते हो कि ये वाला सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया. देयर इज वॉल्यूम उतनी ही है जितनी ये पूरी की वॉल्यूम है, उतनी ही वॉल्यूम है बेटा. वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, उतनी ही एयर आएगी अगर सिंगल एल्वियोलाई है या मैनी एल्वियोलाई है. सेम एयर एंटर्स इन इट बट वट इज इंक्रीज्ड, ओनली सर्फेस एरिया इज इंक्रीज्ड. सो वाई देयर आर मेनी एल्वियोलाई, टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया. इससे क्या होगा, क्योंकि सर्फेस से ही ऑक्सीजन ने ब्लड में जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने लंग्स में जाना है. सो मेनी एल्वियोलाई टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर इंक्रीजिंग गैसियस एक्सचेंज. किसके बीच में हो रहा है गैसियस एक्सचेंज, ये देखिए किसके बीच में हो रहा है. ये सारे एल्वियोलाई है और इसके बाहर ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स है.
तो गैसियस एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, दैट इज एयर, एयर इन एल्वियोलाई। ये मैंने पूरा नहीं लिखा, बट एयर इन एल्वियोलाई एंड द ब्लड, इनमें गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। एंड यू कैन सी दैट दीज आर एल्वियोलाई, और इनके बाहर कितनी सारी ब्लड वेसल्स है। इज इट ओके, समझ में आया? ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इफ एल्वियोलाई, यू नो, दे आर ब्लॉक्ड बाय डस्ट या स्मोक, इफ एल्वियोलाई ब्लॉक्ड बाय डस्ट और स्मोक की अगर हम बात करें, लेट अस से, लेट अस से ये फोर एल्वियोलाई थे, ठीक है, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल, इनमें से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, सब में से हो रहा है, ठीक है, लेट अस से 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में जा रहे हैं, मतलब 25 इसमें से, 25 इसमें से, 25 इसमें से, 25 इसमें से। बट अब कोई चेन स्मोकर है, ठीक है, बहुत स्मोकिंग करता है, जिसके कारण क्या हुआ, दैट हियर वन ऑफ द एल्वियोलाई गेट्स टोटली ब्लॉक्ड, ये वाली एल्वियोलाई ब्लॉक हो गई। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर पासिंग इन टू ब्लड इन 1 मिनट नाउ? यस, एनीबडी, यस, जल्दी से कोई आगे आके फटाफट से आंसर मुझे बताए। एक ब्लॉक हो गई, आ जाओ फटाफट से, क्विक, यस, 75 वेरी गुड। तो ये 25 तो खत्म हो गए, यहां से तो एक्सचेंज नहीं हो रहा, यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, नाउ ओनली 25 मॉलिक्यूल्स आर रीचिंग इन टू द ब्लड, राइट, सो यू कैन सी हियर ऑल एल्वियोलाई आर ओपन, बट हियर द, यू नो, द एल्वियोलाई आर ब्लॉक्ड, ओके, सो हियर नॉट ऑल एल्वियोलाई, सम एल्वियोलाई आर ब्लॉक्ड, देयरफॉर इन स्मोकर्स, अगर आपने कभी देखा हो कि जो बहुत स्मोक करता है उनमें क्या होता है, उनकी स्किन ना ब्लू ब्लू होती है, वाई, लेस ऑक्सीजन रीचेस इन देयर ब्लड, वाई लेस ऑक्सीजन, बिकॉज लेस गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज कम हो रहा है, इसलिए बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, देयरफॉर हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, कभी आप उनका देखो तो अगर हम आराम से सांस ले रहे हैं, उनकी आपको ब्रेथ का पता चलता है, बहुत क्विक ब्रीदिंग है, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्विक है, बिकॉज लेस ऑक्सीजन इज रीचिंग टू देयर बॉडी सेल्स, वाई, बिकॉज मेनी ऑफ देयर एल्वियोलाई गेट्स ब्लॉक्ड, इज इट ओके, ठीक, अच्छा चलिए अब बेटा बस एक कंसेप्ट हम और करेंगे, क्योंकि क्लास हैज स्टार्टेड लेट, तो मुझे बस 2-3 मिनट और चाहिए है, ठीक है जी, चलिए अब हम एक बात करते हैं, वेन वी ब्रीथ, अपने यहां हाथ रखो, इनहेल जब कर रहे हैं तो चेस्ट स्वेल कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जब हम इनहेल हवा अंदर ले रहे हैं, स्वेल स्वेल कर रही है, ठीक है, स्वेल कर रही है मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, यस और नो, ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी, अंदर की वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी, ये देखिए, ये लंग्स है और ये
कर्व्ड डायफ्राम है. सो व्हाट हैपन्स, दैट डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, नीचे आ गया, लेस कर्व हो गया. तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसके साथ लंग्स जुड़े हुए हैं. कैन यू सी दिस, द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस, यस और नो? ठीक है, तो इतनी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर गई डायफ्राम. अब बट हम तो जब देख रहे थे हम तो कह रहे हैं एक्सपैंड कर रही है. एक्सपैंड कैसे, हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि द चेस्ट बोन एंड द रिब्स दे ऑल्सो कम आउटवर्ड्स. ठीक है, चेस्ट बोन कौन सी है? ये वाली चेस्ट बोन है, दिस इज अवर चेस्ट बोन. ठीक है, एंड रिब्स जो है दे कम आउटवर्ड्स. इफ यू कैन सी हियर, एक मिनट. ये आप देख रहे हो एक पूरी चेस्ट कैविटी, ये आगे आपको ऑरेंज ऑरेंज सी नजर आ रही है, चेस्ट बोन. साइड में रिब्स भी नजर आ रहे हैं, और इधर जो है एक मेम्ब्रेन होती है मस्कुलर, दैट इज डायाफ्राम. सो चेस्ट बोन, रिब्स एंड डायाफ्राम, ऑल द थ्री चेंजेस द चेस्ट कैविटी, राइट? सो व्हेन वी इनहेल, इनहेल हम क्यों करते हैं? क्योंकि चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है. कैसे बढ़ती है? द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायाफ्राम गेट्स फ्लैटन्ड, द चेस्ट बोन एंड द रिब्स कम आउट. ठीक है, दो रीजंस है मेन. डायाफ्राम इनहेलेशन में सबसे पहले वॉल्यूम इंक्रीजेस, सेकेंड थिंग हाउ वॉल्यूम इंक्रीजेस, डायाफ्राम फ्लैटन्स, द चेस्ट बोन एंड द रिब्स दे कम आउट. एंड एक्सहेलेशन में ऑपोजिट है. एक्सहेलेशन में मुझे बताओ वॉल्यूम कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती, लेस हो जाएगी. कैसे हो जाएगी? द डायाफ्राम अगेन कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज इट बिकम्स कर्व्ड. द रिब्स एंड द चेस्ट बोन मूव्स इनसाइड. इज इट ओके? तो अब मुझे जल्दी से बता दो, दो चीजें हैं यहां पे, ये डायाफ्राम है, यहां पे ये डायाफ्राम है. दिस हेयर, बस लास्ट मैं पूछ रही हूं आपसे, दिस इज एक्सहेलेशन की इनहेलेशन. बेटा अच्छा देखो ये ज्यादा कर्व्ड है, ये लेस कर्व्ड है. बेटा जब लेस कर्व्ड है तो क्या होता है, इनहेलेशन की एक्सहेलेशन. में क्या होता है बेटे, और अगर ज्यादा बच्चा हाँ बेटे देखो, जब ज्यादा कर्व्ड हो तो आप देखो ऊपर को पुश कर रहा है, राइट? तो लंग्स जो है वो छोटे हो रहे हैं. लंग्स छोटे होंगे तो हवा ज्यादा आ ही नहीं सकती, बाहर को आएगी हवा, एक्सेलेशन. जब डायफ्राम नीचे जा रहा है तो लेस कर्व्ड है, लंग्स फूल गए. कब फूले? जब हवा अंदर आई. बट एक चीज मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कि हवा अंदर आती है तो लंग्स स्वेल करते हैं, नो. पहले लंग स्वेल करते हैं फिर हवा आती है. चलिए, देर आर मेनी थिंग्स टू टेल बट अगेन देर इज लेस टाइम, राइट? तो आई होप कुछ चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, रेपिटिशन हो गई होगी, राइट? एनीथिंग, हु वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? सर। हाँ जी बेटा, आगे आगे पूछ लो फटाफट से, आ जाओ. डायग्राम देख रहे थे मैम, जो लंग्स थे वो एकदम से कनेक्टेड थे हार्ट से, तो मैम तो जो हम ब्रीथ करते हैं तो वो जो ब्लड है वो भी एक साथ ही पंप करते हैं, तो उन दोनों का मतलब कि वो थोड़े से मतलब कि एक साथ पंप करेंगे तो उनको हमारे चेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं बेटा, क्योंकि वो एक साइड से हार्ट ब्लड दे रहा है और दूसरी साइड से निकल रहा है. ठीक है, डू यू गेट मी? ठीक है, समझ में नहीं आया ना, आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखो जरा एक आप, इफ आई एम रिपीटिंग योर क्वेश्चन, कि हार्ट एंड लंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, आप इसी के बारे में पूछ रहे हो ना? यस और नो? यस, आप कह रहे हैं कि हार्ट जब ब्लड लंग्स को देता है, और हार्ट इधर से हार्ट बीट है, तो यहां से ब्लड लंग्स को गया और इधर लंग्स हार्ट में आया। यस और नो? यू आर ट्राइंग टू से दिस? तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको ये बताती हूं कि ये फॉर एग्जाम्पल लंग्स में ये एल्वियोलाई है, ये हार्ट है, हार्ट के चार चैम्बर्स है बेटा। इधर से ब्लड गया कहां पर? इनफैक्ट इधर नहीं गया, इधर से ब्लड कहां जा रहा है? एक इस ब्लड वेसल में जा रहा है, राइट? ठीक है, तो यहां से सिर्फ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर को गई और ऑक्सीजन इधर को आई। ये ब्लड तो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर ही रहा है बेटा, यहां पे कुछ नहीं हो रहा है लंग्स में, लंग्स में सिर्फ हवा अंदर बाहर आ जा रही है। इज इट ओके? ठीक है, तो लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से हार्ट को फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहां से ऑक्सीजन ब्लड में गई, ब्लड तो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। इज इट ओके? और कहां पे हार्ट कहां पे पड़ा है? यहां पे पड़ा है, बिल्कुल चिपका नहीं हुआ बेटा इसके साथ, ये अलग से पड़ा है, इसलिए इसको स्वेल करने की जगह मिलती है। ओके ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है, ऐसा नहीं। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ? ठीक है, चलिए, ओके, वेरी गुड बेटा, चलिए, बाय बाय जी। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय।